क्वेश्चन नंबर 514 देखते हैं, इसमें क्या दिया है। गिवन दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड इफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 8, ऐसे ही दिया है जेड प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 10 है और एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 7, तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वाले में लिखा है ना एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 8, इसको अगर हम ब्रेक करें ना तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड, इसका वैल्यू 8 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, z प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10, तो ये है z प्लस वाई प्लस एक्स और z प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 10। फिर है x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, तो एक्स प्लस जेड प्लस वाई एंड एक्स प्लस जेड माइनस वाई इक्वल टू 7। अगर हमने तीनों को ऐड किया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या एक्स प्लस वाई माइनस जेड आएगा, फिर होगा जेड प्लस वाई माइनस एक्स और एक आएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई। 18 प्लस 7 25 हो जाएगा। और देखिए एक जेड कट गया, एक एक्स कट गया और एक वाई कट गया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25, तो जो ऑप्शन दिया है उसमें से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हो जाएगा 5, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।